हाउ आर यू, आई होप ऑल यू आर फाइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास, ग्रेड 2। बेटा आज हम नज़्म कर रहे हैं, हम शौक से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम सबसे पहले इसकी नज़्म की रीडिंग कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 176 पे नज़्म हम शौक से पढ़ेंगे। हम नौनिहाल सारे धरती के चांद तारे। अब नौनिहाल कहते हैं बच्चों को, ठीक है। धरती के चांद तारे यानी कि धरती मीन ज़मीन। ये अज़्म है हमारा आगे सदा बढ़ेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम अज़्म है हमारा, अज़्म मीन इरादा है हमारा, आगे सदा बढ़ेंगे। सदा मीन हमेशा, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। हम शौक से पढ़ेंगे यानी कि बच्चे कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए बेटा पढ़ना पड़ता है, आप लोग भी जानते हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। नफ़रत को हम मिटा कर सबको गले लगा कर आपस में भाई भाई मिलजुल कर रहेंगे। हम शौक से पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि तमाम नफ़रतों वगैरह को मिटा कर मोहब्बत से, अखलाक से, प्यार से तमाम भाई बहन सब मिलजुल कर रहेंगे और हम शौक से पढ़ेंगे। दूर हो अंधेरे पुर नूर हो सवेरे, चमके वतन हमारा ऐसे जतन करेंगे। हम शौक से पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं अंधेरे दूर हो जाएं और पुर नूर हो सवेरे। पुर नूर मीन रोशन, सुबह हो रोशन, चमके वतन हमारा ऐसे जतन करेंगे। जतन में काम, कोशिश, यानी कि बच्चे कह रहे हैं हम ऐसे काम और ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारा वतन चमके, हमारा वतन कामयाब हो। मासूम है तो क्या है पर हौसला बड़ा है, अपने वतन के कायद एक रोज़ हम बनेंगे। हम शौक से पढ़ेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम मासूम हैं तो क्या हैं पर हौसला बड़ा है, अपने वतन के कायद। कायद कहते हैं, कायदे जो हैं वो हमारे कायद अजम हैं, कायद अजम मोहम्मद अली जिना। बच्चे कह रहे हैं कि हम बेशक छोटे हैं तो क्या हैं पर हमारा हौसला बड़ा है, हम अपने वतन के कायद कायद अजम मोहम्मद अली जिना की तरह एक दिन हम उनकी तरह बनेंगे। हम शौक से पढ़ेंगे। अब हम इस सबक नज़्म को शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने अपने सेट वन पर, वन पे स्किप करना है, उस पर लिखना है छठा हफ्ता और अपनी राइटिंग शुरू करनी है। सबसे पहले हम लोग तारीख लिखेंगे 14 दिसंबर 2020, जमात का काम और दिन पीर, ठीक है। उसके बाद गासन लिखेंगे, सुबह सवेरे उठिए। गासन लिखने के बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नज़्म। नज़्म के बाद लिखेंगे नज़्म का नाम हम शौक से पढ़ेंगे। ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे लिखेंगे उनवान। उनवान के बाद नेक्स्ट लाइन के सेंटर में जाके लिखेंगे इमला। अब हम अपनी नज़्म की इमला शुरू करते हैं। इमला का पहला लफ्ज़ है धरती, अज़्म मिलजुल शौक अंधेरे, पुरनूर मासूम जतन हौसला रोशन। ये टोटल बेटा 10 इमला के पास थे, जो एज इट इज़ आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे उनवान। उनवान के बाद नेक्स्ट लाइन के सेंटर में जाके लिखेंगे अल्फाज मायने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गेन अल्फाज मायने लिखेंगे, हेडिंग देंगे। उसके बाद अब अल्फाज मायने शुरू करते हैं। पहला अल्फाज है नौनिहाल। नौनिहाल का मायने है बच्चे। नेक्स्ट है धरती। धरती यानी कि ज़मीन। सदा, सदा का मायने है हमेशा। पुरनूर, पुरनूर का मायने है रोशन। जतन, जतन का मायने है काम या कोशिश। अज़्म, अज़्म का मायने है इरादा। मासूम, मासूम का मायने है भोले भाले, ठीक है। क्लास आज का था ये हमारा क्लास पर नज़्म हम शौक से पढ़ेंगे की इमला और अल्फाज़ में एंजाइटीज आप लोगों ने वन लाइन स्किप करते हुए राइट करनी है और इस सबक की, इस नज़्म की रीडिंग भी करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ घर के काम में आप लोगों ने फिक्रा साजी करने हैं, पेज रेडी करके फिक्रा साजी करने हैं। ये टोटल 5 अल्फाज हैं फिक्रा साजी के। पहला है धरती, शौक, मासूम, हौसला, अंधेरे, ठीक है। ये टोटल 5 अल्फाज हैं जिनके आप लोगों ने जुमले बनाने अच्छे से अपने अल्फाज मायने के साथ वाले पेज पे, ठीक है। ये था आज का हमारा क्लास पर हमारा होमवर्क। आप उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से लिखना है और याद भी करना है और नज़्म की बेटा रीडिंग भी करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।